हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज हमने ये टेस्टी सी दिखने वाली भेलपूरी चाट बनाई है, तो चलिए आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने टमाटर बारीक कट कर लिए हैं, मूंगफली फ्राई कर ली है थोड़ी सी, बारीक प्याज कट कर लिए हैं, ये हरी मिर्ची मैंने बारीक कट कर ली है और हाफ नींबू है, ये खजूर और इमली की चटनी है और ये लाल मिर्ची पाउडर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल में परमल ले लेंगे। मैं दो जनों के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैंने चार मुट्ठी परमल ली है। अब मैं इसमें फ्राई की हुई मूंगफली ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने मूंगफली ऐड कर दी है। अब मैं इसमें मिक्स नमकीन ऐड कर रही हूँ। ये मिक्स है, इसमें बारीक और मोटी दोनों ही नमकीन है, तो मैं ये वाली पहले मिक्स कर रही हूँ। इसमें चने की दाल और मोटी नमकीन भी है। अब मैं बारीक नमकीन ऐड करने लगी हूँ। तो ये देखिए, बारीक वाली नमकीन भी मैंने ऐड कर दी है। इसमें थोड़ी सी बूंदी भी मिक्स है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करने लगी हूँ, जो हमने बारीक कट कर लिए थे। तो मैंने इसमें एक टमाटर लिया है। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, जो भी हमने बारीक कट कर लिए थे। प्याज भी मैंने एक ही लिया है दोस्तों, तो मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। अब मैं हरी मिर्ची ले रही हूँ, जो हमने बारीक कट करी थी, तो मैं ये इसमें डालने लगी हूँ। मैंने एक मिर्ची ली थी। और ये है हमारी खजूर इमली की चटनी, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मैंने इसमें चार चम्मच ऐड किए हैं, तो ये दूसरा चम्मच है और ये तीसरा चम्मच है और ये लास्ट चम्मच है। तो ये मैंने चार चम्मच इसमें खजूर और इमली की चटनी मिक्स की है। थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ, बिल्कुल एक चुटकी। थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, ये भी बिल्कुल एक चुटकी ही है, तो मैंने ऐड कर दिया है। चलिए अब इसे मिक्स कर लेते हैं। तो झटपट हो गई ना तैयार भेलपूरी चाट। तो मैंने इसे लगभग मिक्स कर दिया है। मैं ऊपर से फिर से इसमें बारीक नमकीन ऐड कर रही हूँ। मैंने बारीक नमकीन ऐड कर दिए। थोड़े से मैं प्याज में ऊपर से डाल रही हूँ, तो प्याज मैंने डाल दिए हैं ऊपर से। थोड़े से टमाटर गार्निश के लिए अब हम ऊपर से ये सब वापस ऐड कर रहे हैं। थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी है मैंने। अब जो हाफ लेमन हमने लिया था वो इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा, एक स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। और ये कुछ धनिया की पत्तियाँ हैं फ्रेश फ्रेश। तो ये देखिए, मुँह में पानी आया या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुझे और बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी भेलपूरी चाट की रेसिपी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।